हेलो फ्रेंड्स, परफेक्ट किचन राजस्थानी में आपका स्वागत है। आज हम बना रहे हैं देसी चाउमीन, कुछ अलग हटकर। चाउमीन से ज्यादा टेस्टी है और हेल्दी भी उतनी है। उसके लिए हमने एक कटोरी भर के सेवैयां ली है, ये मार्केट में बड़ी आसानी से उपलब्ध होती है। एक शिमला मिर्च लिया है, पत्ता गोभी, एक गाजर, हरा धनिया, दो छोटी प्याज, लहसुन, एक इंच अदरक का टुकड़ा, काली मिर्च कुटी हुई, सोया सॉस, विनेगर और टमाटो सॉस। सबसे पहले सेवैयां को सेकते हैं, कढ़ाई को रखते हैं गैस पे और इसको धीमी आंच पर ड्राई रोस्ट करना है। हमारी सेवैयां ड्राई रोस्ट हो चुकी है, अब इस कढ़ाई को रखते हैं नीचे और एक भगोने में रखते हैं पानी। पानी गर्म होने पर इसमें दो चम्मच छोटा भर के घी का डालना है और फिर सेवैयां को बॉईल करना है। इतने हम सब्जियों को काट लेते हैं पानी बॉईल होता है। हमारे पानी में उबाल आ चुका है, अब इसमें दो छोटे चम्मच घी का डालते हैं। या तो आप रिफाइंड डाल दीजिए या कोई बिना फ्लेवर का ऑयल भी डाल सकते हैं। और नमक डाल देते हैं एक छोटा चम्मच। अब सेवैया को डाल देते हैं इसमें बॉईल होने के लिए। जब तक ये बॉईल नहीं हो तब तक हम सब्जियां काट लेंगे और इनको बाद में देखेंगे। हमारी सेवैयां बॉईल हो चुकी है, अब इसको निकाल लेते हैं छलनी में बाहर। लीजिए, हमने सेवैयां को पानी से निकाल लिया है और सब्जियों को भी काट लिया। पत्ता गोभी को बिल्कुल बारीक काटा है, प्याज को लंबा काटा है, शिमला मिर्च को भी, अदरक का लंबा काटा है, लहसुन को भी और गाजर को भी। अब कढ़ाई में तेल गरम करते हैं। तेल गरम हो चुका है, इसमें डालते हैं आधा चम्मच जीरा, इसमें डालते प्याज, लहसुन अदरक डालते हैं। शिमला मिर्च और गाजर को डाल के देते हैं। पत्ता गोभी भी डाल देंगे। सब्जियों को ज्यादा नहीं पकाना है, अब तक सही रखना है, इसको 60% तक बस इतना सही पकाना है, इससे टेस्ट अच्छा आएगा। ये नाश्ता एकदम ही टेस्टी है, बहुत हेल्दी भी है। सब्जियां पक चुकी, अब इसमें नमक डालते हैं। नमक हमने पहले भी डाल दिया था सेवैयां उबालते हुए भी, अब इसमें अपने टेस्ट के अनुसार ही नमक डालना है। काली मिर्च का पाउडर लिया था, वो भी इसमें डाल देते हैं। इसमें एक चम्मच डालना है सोया सॉस। एक चम्मच विनेगर डालना है, व्हाइट विनेगर। तो बनाने के लिए हमने लोहे की कढ़ाई को काम में लिया है, अगर आपके पास भी हो तो जरूर लेना। अब जो सेवैया बॉईल करी थी इसको डाल देते हैं। लीजिए, हमारी टेस्टी सी सेवैया बनकर रेडी हो चुकी है। ये किसी चाउमीन से कम नहीं है, खाने में इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है और बच्चों को तो ये विशेष पसंद आएगी। आप भी अपने बच्चों को एक बार जरूर बना कर खिलाएं। सर्विंग बाउल में, प्लेट में निकालते हैं इसको। अगर आज आपको ये रेसिपी मेरी टेस्टी टेस्टी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।